सिंपल चोकॉइल सिंपली एक कॉइल है जिसके पास कुछ रेजिस्टेंस भी है और कुछ इंडक्टेंस भी। ओके, क्योंकि जीरो रेजिस्टेंस तो हो नहीं सकता। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू, आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपको मान लेना है एक इंडक्टर और एक रेजिस्टेंस सीरीज में लगे, बाकी आपको सब कुछ मैं सिखा चुका हूँ लास्ट क्लास में। ठीक है, चोक कॉइल इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। बाकी जो मैं बकवास कर रहा था वो सिर्फ ये बता रहा था कि भैया अगर करंट को रिड्यूस करना है ऑल्टरनेटिंग करंट के केस में, तो सीरीज में रेजिस्टेंस लगाने से बेटर क्या होगा, सीरीज में इंडक्टेंस लगाया जाए या कैपेसिटेंस लगाया जाए, है ना। और हमारे जो फैन का जो रेगुलेटर होता है ना, उसमें यही लगा होता है, क्या कैपेसिटर लगा होता है, उसको जब हम घुमाते हैं तो कैपेसिटेंस चेंज होता है, जिससे हमारे फोन फैन में करंट चेंज होता है और फैन के घूमने की स्पीड चेंज होती है। ओके बेटा, ओके, समझ में आया कि नहीं? यस सर। सो दिस इज व्हाट चोक कॉइल डज, दिस इज ऑल द चोक कॉइल डज, और कुछ नहीं करता। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। सो वी हैव चोक कॉइल, वी फिनिश चोक कॉइल। अगला टॉपिक क्या पढ़ना था आज? ट्रांसफॉर्मर। सर चौक पर तो न्यूनतम नहीं होगा। क्या सीरीज का कुछ नया न्यूमेरिकल बनेगा ही नहीं ना, जो पहले जानते वही है। ठीक है, ट्रांसफार्मर क्या था अगला टॉपिक, क्या लिखा था मैंने? ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर भी छोटा सा टॉपिक ही है। क्या है ऐसा समझ लीजिए, ट्रांसफॉर्मर कैसा होता है ये पहले समझने समझिए। ये मेरे पास एक सॉफ्ट आयरन का कोर है। ओके बेटा, मतलब इस तरीके से मैंने सॉफ्ट आयरन का एक पट्टा बना, एक पतली सी प्लेट बनाई है जिसमें बीच में होल है। ओके बेटा, इसको मैंने बिल्कुल ऐसे ही दूसरे कोर के ऊपर रखा है, दूसरे पट्टे के ऊपर रखा है, बीच में इंसुलेशन है। ओके, समझ में आया। और उसके ऊपर उसको मैंने एक और ऐसे ही बिल्कुल सेम टू सेम शीट बोल सकते हो आप, शीट के ऊपर रखा। इस तरीके से मैंने ऐसे मल्टीपल लेयर ऑफ शीट्स लगा रखी है। ठीक है बेटा, ओके, समझ में आया यहां तक? यस मैंने यहां पर एक कॉइल लपेटा, जिसमें मैंने ये इनपुट एसी सोर्स फीड किया, इनपुट इंटरनल ए और बी के बीच में मैंने इनपुट फीड किया अपना, और ये जो दूसरी साइड है, मैंने दूसरी साइड भी एक कॉइल लपेटी है बेटा। ये टर्मिनल्स हैं सी और डी, इनसे मुझे आउटपुट ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ मिलता है। ठीक है, आप बोलोगे सर ये कैसे काम कर रहा है? तो देखो क्या हो रहा है कि जब यहां से करंट पास हो रहा है I1, तो इसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, है ना।
और ये जो है क्या है, सॉफ्ट इंसुलेटेड सॉफ्ट आयरन कोर है, ठीक है, क्या है, क्या बोलते हैं इसको, इंसुलेटेड सॉफ्ट आयरन कोर है। इंसुलेटेड का मतलब क्या है, इसकी जो दो लेयर्स है ना उनके बीच में इंसुलेशन लगा हुआ है, ओके, मतलब हर एक लेयर में चारों तरफ से इंसुलेशन लगा हुआ है, एक के ऊपर एक लेयर्स ऐसी रखी हुई है। क्या होगा कि इसमें हम देखेंगे एक इस करंट की वजह से फ्लक्स जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और क्योंकि ये सॉफ्ट आयरन है, सॉफ्ट आयरन कैसा मटेरियल होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में जो फ्लक्स है वो इस तरीके से ऐसे पास होगा, सारा कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर नहीं निकलेंगे क्योंकि आसपास की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ये अपने अंदर खींच लेगा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, राइट, ओके, समझ में आई बात। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसा एकदम स्क्वायर नहीं बनेगा बट समझ, भावनाओं को समझो। तो बेसिकली इसका जो फ्लक्स है इसमें से पास होगा, या क्या हो गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया कि नहीं हो गया, है ना, यस सर। होगा क्या, यहां पर हमने नंबर ऑफ टर्न्स रखी हैं N1, यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स रखे हैं N2। इसके अंदर जो फाई वन आएगा दैट विल बी इक्वल टू N1 एक लूप का फाई, है ना, और इसके अंदर जो फाई टू आएगा इस पिंक वाले के अंदर, आउटपुट वाले के अंदर, दैट फाई टू विल बी इक्वल टू N2 एक लूप का फाई, क्योंकि समझ रहे हो बात को, जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतनी बार फ्लक्स पास होगा ना। आया ना, समझ में आई बात। यस सर। तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें देखने को मिलेगा कि इसका जो E1 है दैट इज इक्वल टू N1 टाइम्स d∅ dt, और इसमें जो E2 आया दैट इज इक्वल टू N2 टाइम्स d∅ dt, इसका एक रेशियो आ गया सीधे सीधे, E2 बाय E1 इज इक्वल टू N2 बाय N1, है ना, समझ में आई बात। E2 क्या है, आउटपुट EMF, E1 क्या है, इनपुट EMF, आया कि नहीं आया इक्वेशन, बोलो, हम लोग क्या किए, हम लोग EMF को चेंज कर सकते हैं यूजिंग दिस ट्रांसफार्मर, कम EMF से ज्यादा EMF बना सकते हैं, ज्यादा EMF से कम EMF बना सकते हैं बाय चेंजिंग द रेशियो N2 बाय N1, ओके। क्या होता है कि इफ N2 इज ग्रेटर देन N1 दिस विल मीन दैट E2 इज ग्रेटर देन E1, आउटपुट EMF बड़ा हो गया इनपुट EMF से, इसको हम कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और इसके नीचे यहां लिख रहा हूं मैं, इफ N2 इज लेस देन N1 दिस विल मीन दैट E2 इज लेस देन E1, आउटपुट EMF इनपुट EMF से कम हो गया, इसको हम क्या कहेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। कोई दिक्कत, नो सर। तो हमने क्या पाया कि यहां पर जो ईएमएफ है उनका रेशियो फिक्स है N2 बाय N1, ओके, कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत। तो दो तरीके के ट्रांसफार्मर हमें मिल गए, एक ईएमएफ बढ़ाने वाला और एक ईएमएफ घटाने वाला। सर जरूरत क्या है इसकी, क्यों घटाना बढ़ाना है हमें, हम क्यों घटाना बढ़ाना चाहते हैं ईएमएफ को। देखो क्या होता है कि आप कहीं ना कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करोगे, कहाँ जनरेट करोगे, अपने घर से बहुत दूर, है ना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी जाती है हमारी, जाती कि नहीं जाती। यस सर। आपने क्या किया, यहाँ पर एक आपके पास है क्या बोलेंगे पावर प्लांट है,
पावर प्लांट में आपका जो ईएमएफ जनरेट होगा वो क्या होगा, लो ईएमएफ होगा, मतलब बहुत ज्यादा ईएमएफ नहीं होगा। इसके ईएमएफ को हम लोग फीड करेंगे ट्रांसफार्मर वन में, जो क्या है, स्टेप अप है। तो यहां से क्या निकलेगा, हाई ईएमएफ निकलेगा। इसको हम दूर तक लेके जाएंगे, लॉन्ग डिस्टेंस तक, ठीक है। फिर सिटी के आउटस्कर्ट्स में हम लोग एक और ट्रांसफार्मर लगाएंगे, T2। ये क्या होगा, स्टेप डाउन। कहाँ है ये, आउटस्कर्ट्स में सिटी का, जरूरी नहीं हमेशा आउटस्कर्ट्स में हो, लेकिन कोशिश है तुम्हारी कि ये सिटी के थोड़ा बाहर हो या सिटी के एकदम जस्ट बगल में हो। इसके बाद क्या होगा, इससे क्या होगा, और फिर से थोड़ा सा ईएमएफ कम हो जाएगा, है ना। यूं समझ लो यहां पर आपका मान लेते हैं 132 किलो वोल्ट है, और यहां पे आपका लेट से हो जाता, देखो यार एग्जैक्ट नंबर के बारे में बात नहीं कर रहे अपन, यहां पे आपका हो जाता है लेट से 440 वोल्ट, या थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं, 132 का क्या करें, 32 लेट्स से 4000 वोल्ट, मतलब मैं सिर्फ नंबर्स बोलना चाह रहा हूँ और कुछ नहीं, ठीक है। फिर क्या होता है, सिटी के अंदर एक और पावर स्टेशन होगा, पावर स्टेशन इन सिटी। इसमें फिर से हम लोग तीसरा ट्रांसफार्मर लगाएंगे, T3, जो फिर से क्या होगा, स्टेप डाउन होगा। इससे निकलेगा करीब करीब 440 वोल्ट। इसको हम लोग फीड करेंगे अपनी गली वाले ट्रांसफार्मर के अंदर, अपने हमारे जो स्ट्रीट्स में जो हम लोग जो ट्रांसफार्मर लगा लगा रहता है ना, उसमें। ये हो गया फोर्थ ट्रांसफार्मर, ये भी क्या है, स्टेप डाउन है। इससे कौन कितना ईएमएफ निकलेगा, आरएमएस ईएमएफ, ई आरएमएस कितना निकलेगा, 220 वोल्ट का होगा, जो हमारे घरों में यूज होगा। समझ में आया, सर इतना क्यों किया हम लोगों ने। देखो भाई, हम ऐसा भी तो कर सकते थे सर कि यहीं से हम सीधे 220 निकालते और घर में भेज देते, राइट। होता क्या है बेटा, हमको जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, हमको जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो तो फिक्स्ड है। एनर्जी कंज्यूम्ड कितना होगा, ई इंटू आई, है ना। एनर्जी तो इतना ही कंज्यूम होगा ना, ई इंटू आई, यस और नो, पावर क्या, मतलब चलो पावर हाँ ठीक है, पावर कंज्यूम, पावर कंज्यूम कितना होगा, ई इंटू आई। अब सोचिए अगर ई इंटू आई पावर हम लोग यहां कंज्यूम कर रहे हैं, तो इफ ई इज हाई, आई इज इक्वल टू लो, यस और नो। यस सर। जहां पर बहुत हाई ईएमएफ है, दिस इंप्लाइज करंट लो है ना, हाँ सर। विच मीन्स लॉस ऑफ एनर्जी आई स्क्वायर आर टी इज लो। कितना लो सर, 132 किलो वोल्ट है, घर में चाहिए 220 वोल्ट। एक काम करते हैं, कितने टाइम्स ज्यादा है, 132 किलो वोल्ट अपॉन 220 वोल्ट, ये कितना हो गया भाई, सर ये हो गया 600। 600 टाइम्स ईएमएफ ज्यादा है, मतलब 600 टाइम्स करंट कम चाहिए होगा। हाँ
विच मीन्स 600 का स्क्वायर टाइम्स वेस्टेज ऑफ एनर्जी इज सेव्ड कहां पर, इस लंबे से वायर में, है ना। अभी जो एनर्जी वेस्ट हो रही है उसको मुकाबले 600 का स्क्वायर, 600 स्क्वायर कितना होगा समझ रहे हो, 360,000, 360,000 टाइम्स ज्यादा एनर्जी आप वेस्ट कर देते अगर आप यहीं से 132 की जगह 220 वोल्ट भेज देते तो, ठीक है, समझ में आई बात, समझ में आया कि नहीं। yes, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जब जहां हमें बहुत दूर तक एनर्जी सप्लाई करनी है वहां पे हम पोटेंशियल बढ़ा देते हैं, करंट घटा देते हैं, ठीक है, पोटेंशियल बढ़ा देते हैं करंट घटा देते हैं, जिससे इस वायर में एनर्जी का लॉस कम हो जाए। जब घर के पास में आते हैं तो क्योंकि वहां पे आबादी रहने लगती है, लोग रहने लगते हैं, वहां पे अगर आप 132 किलोवोल्ट मार्स हो गए तो लोगों को मतलब ऐसे नहीं पड़ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए वहां पर क्या करते हैं हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस को डिक्रीज करते रहते हैं और हमारे घरों के अंदर सिर्फ 220 वोल्ट भेजा जाता है। ओके बेटा, समझ में आई बात, आपके घर के अंदर 132 किलो वोल्ट नहीं डाल सकते, इतनी हिम्मत किसी की नहीं है। ओके बेटा, बिना बिजली के जी लेंगे हम लोग उस केस में, समझ में आया ट्रांसफार्मर का यूज। तो कॉपी कर लो सब, प्रीवियस वाला नहीं किया। ओके सर, आगे जाइए सर। हो गया सर। कर लो कॉपी जल्दी जल्दी। हो गया सर, हो गया, आगे बढ़े। चलो फिर देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी तक, हमने बोला कि आउटपुट ईएमएफ बाय इनपुट ईएमएफ इज इक्वल टू एन टू बाय एन वन, राइट, है ना। नाउ इफ नो एनर्जी इज लॉस्ट या नो पावर इज लॉस्ट ईवन आई वन शुड बी इक्वल टू ई टू आई टू, दैट मीन्स E2 by E1 equals to कितना हो गया
आई वन बाई टू हुआ है ना। देयरफॉर हमारी फाइनल इक्वेशन क्या बनी, ई टू बाय ई वन इक्वल्स टू एन टू बाय एन वन दैट इज इक्वल टू आई वन बाय आई टू, अगर एनर्जी का लॉस नहीं है तो। इफ जो हम जनरली एज्यूम करते हैं, इफ देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी इन ट्रांसफार्मर, ओके बेटा। और देखो मुझे एक बात बताओ, ये ट्रांसफार्मर डीसी के लिए काम नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि करंट कांस्टेंट हो जाएगा तो फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा, ईएमएफ ट्रांसफर ही नहीं होगा। एसी के लिए क्यों काम कर रहा है, क्योंकि करंट लगातार चेंज कर रहा है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लगातार चेंज हो रही है जिसकी वजह से फ्लक्स लगातार चेंज हो रहा है, आया ना। कॉपी करो जल्दी यस जल्दी, सर, हो हो गया सर। गया। चलो फिर तो, लेकिन लॉसेस तो होते हैं, लॉसेस तो होते हैं ना भाई, एनर्जी के लॉसेस तो होते ही है ना। हाँ सर, सो कहाँ कहाँ हो सकते हैं लॉसेस, लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। सबसे पहले तो बेटा कपलिंग लॉस हो सकता है, एक का ईएमएफ दूसरे में से पूरा पास ही नहीं हो रहा, आया ना। इसको काउंटर कैसे करते हैं, इसको मिनिमाइज कैसे करते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर, राइट। यस सर। तो क्या होगा, सॉफ्ट आयरन में लगातार जो भी कोर होगा उसमें लगातार फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ आएगा, है ना। और वो क्या करेगा, क्योंकि सॉफ्ट आयरन है, म्यू आर बहुत ज्यादा है, क्या करेगा, दूर दूर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को खींच के अपने अंदर ले जाएगा और एक के फ्लक्स को दूसरे में से ट्रांसफर करवाएगा, राइट। लेकिन ऑटोमेटिकली क्योंकि अब सॉफ्ट आयरन के अंदर से जो भी कोर है उसके अंदर से हमारा उसके अंदर लगातार हमारा मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट हाँ उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाइड उसका डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा है, इस वजह से एक और लॉस आ जाएगा। कौन सा लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस, यस और नो बोलो, होगा कि नहीं, क्यों आएगा हिस्टेरेसिस लॉस? क्योंकि आप बार बार मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज करोगे तो कभी अंदर के जो एटम्स हैं उनका मैग्नेटिक फील्ड कभी इधर ओरिएंट होगा, फिर उधर ओरिएंट होगा, फिर इधर ओरिएंट होगा, फिर इधर ओरिएंट होगा, तो हिस्टेरेसिस साइकिल याद है, सर, उसमें लॉस होता है कि नहीं होता एनर्जी का, हाँ सर। बोले लॉस होगा। इसके लिए क्या यूज, इस हिस्टेरेसिस साइकिल को से बचने के लिए क्या यूज करते हैं, इसको यहाँ पे सॉफ्ट आयरन नहीं बोल आयरन नहीं बोला जाता, इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज करते हैं, राइट। हिस्टेरेसिस लॉस को कम से कम करने के लिए जो कोर है फेरोमैग्नेटिक में कौन सा यूज करते हैं हम लोग, सॉफ्ट आयरन का यूज करते हैं, समझ में आई बात, स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे ना, आया ना बोलो बोलो। हाँ सर, एक और लॉस आ गया, कौन सा लॉस है सर, सर जब आप आयरन के अंदर बार बार मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हो उससे ईएमएफ जनरेट होगा आयरन के अंदर भी, और उससे क्या होगा, रैंडम करंट फ्लो करेंगे, कौन से करंट कहते हैं उसको, एडी करंट। तो एडी लॉसेस होंगे, है ना। इसको काउंटर कैसे करते हैं,
स्ट्रिप्स को थिन करते हैं। हाँ, इसको काउंटर कैसे करते हैं, यूजिंग इंसुलेटेड कोर। ठीक है, और कोई लॉ सोच सकते हो क्या? सर वो फेरोमैग्नेटिक कोर लिखा हुआ है। हाँ, फेरोमैग्नेटिक। एक और लॉस है, कौन सा लॉस? इन रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, है ना? कॉइल भी जीरो रेजिस्टेंस का तो होगा नहीं ना, तो देयर आर मल्टीपल लॉसेस। हो सकता है कोई लॉस मैं भी मिस कर रहा हूँ, बट ये तो हमने पढ़े हुई है ना? तो लॉसेस होते हैं ट्रांसफार्मर में, राइट, है यस सर। ना? समझ में आई बात? कॉपी कर लो। हो गया सर। सबको करने दो। हो गया सर। एक सेकंड रुक जाते। एक क्वेश्चन आया था बोर्ड में, मैं वो मेरे पास लिखा हुआ है, बस इस स्लाइड में डालने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। आप लोगों को लगता होगा ना कि बोर्ड हमेशा आसान क्वेश्चन पूछता है, वैसे तो हमेशा आसान पूछता है, पर कभी कभार वो क्या कांड करता है देख लो। ये क्वेश्चन आया था बोर्ड एग्जाम में, पढ़ो जरा। कुछ समझ में आया?
कुछ समझ में आया क्या करना है? मैंने ट्रांसफार्मर पे ना इससे अच्छा क्वेश्चन नहीं देखा अभी तक। मतलब देखो अच्छे क्वेश्चन तो बहुत सारे बन सकते हैं, बट सिलेबस के अंदर रहते हुए बहुत से सारे। हाँ रिसेंटली ये 2003 में आया था, हालांकि ये 2003 में आया था जब मैं तैयारी कर रहा था उस वक्त आया था। मुझे लगा था यार इतना अच्छा क्वेश्चन तो कभी देखा ही नहीं, पहली बार बोर्ड में देखा था मैं ट्रांसफार्मर पे। तो एक काम करना, इसको ट्राई कर लेना एक बार, कॉपी कर लो, ट्राई कर लेना एक बार, ठीक है? ओके बेटा, अभी मैं नहीं करा रहा, करना कराना है क्या? टाइम लग जाएगा थोड़ा सा, और ट्राई करोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है? खुद से ट्राई करोगे तो बेटर रहेगा। कॉपी हो गया क्वेश्चन? ठीक यस सर। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट पेज पे, इसको खुद से ट्राई करना, ठीक है? तो और कुछ लिखा था मैंने टॉपिक्स में, ट्रांसफार्मर था ये था, और क्या था? सर कॉम्प्लेक्स नंबर एनालाइज और कुछ नहीं था, एक और चीज थी ना शायद, तो चोक सर कॉइल, तो कॉम्प्लेक्स नंबर चोक कॉइल ट्रांसफार्मर कॉम्प्लेक्स नंबर, एक चीज और थी ना भाई? पैरेलल एसी हाँ पैरेलल एसी सर्किट, पहले पैरेलल एसी सर्किट करेंगे भाई, वो सब वो इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट छोड़ देगा आज क्लास का। पैरेलल कनेक्शन ऑफ एल सी आर इन एसी, ठीक है? क्या समझिए, मेरे पास यहाँ सोर्स है जो सप्लाई कर रहा है, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। मैंने यहाँ से दो वायर खींच दिया ऐसे, इधर मैंने लगा दिया एक सिंपल सा नादान सा रेजिस्टेंस, इधर लगा दिया स्प्रिंग, और इधर लगा दिया इंडक्टर, इधर लगा दिया स्प्रिंग, इधर कैपेसिटेंस और इधर इंडक्टेंस। ये एल है, ये सी है, और ये आर है। ओके कोई दिक्कत? तो नो क्या सर। होगा, मैं अगर यहाँ पर इसके अंदर करंट देखूंगा, तो यहाँ से करंट गया है आई वन, यहाँ से करंट गया आई टू, यहाँ से करंट गया आई थ्री। तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे क्योंकि तीनों के अक्रॉस ईएमएफ तो सेम है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, राइट? राइट और रॉन्ग? सो मेरा आई वन कितना हो जाएगा? सर ये तो सिंपली हो जाएगा ई नॉट बाय आर साइन ओमेगा टी। सर आई टू कितना हो जाएगा? सर ई नॉट बाय एक्स सी, क्योंकि कैपेसिटर है इसमें करंट आगे जाएगा कि पीछे जाएगा फेज में? आगे आगे जाएगा। कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। और आई थ्री कितना हो जाएगा? ई नॉट बाय एक्सएल या माइनस ई नॉट बाय एक्सएल कॉस ओमेगा टी, राइट? क्योंकि पाई बाय टू फेज पीछे हो जाएगा इसमें करंट, है ना? तो यहां से जो करंट जा रहा है आई, क्या मैं बोल सकता हूँ आई इज इक्वल टू इन दोनों का सम आया ना? सर आई टू में वो एक्स सी होगा ना डिनोमिनेटर में। ठीक आई टू में एक सी लिखा बेटा, आपको अच्छा एल दिख रहा हो। है सर। सो क्या हो जाएगा, दिस मीन्स
अच्छा नाउ आई नो दैट आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, कहाँ से? सर किरचॉफ्स करंट लॉ से. दिस मीन्स जो करंट आई है दैट इज इक्वल टू ई नॉट बाय आर साइन ओमेगा टी चलो प्लस ही लगा देते हैं, प्लस ई नॉट टाइम्स वन बाय एक्स सी माइनस वन बाय एक्सएल कॉस ओमेगा टी. यस और नो? यस क्योंकि दोनों पैरेलल में हैं, मैं यहां पर एक्स को कैसे डिफाइन कर रहा हूं? मैं डिफाइन कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, वन बाय एक्स इज इक्वल टू वन बाय एक्स सी माइनस वन बाय एक्सएल. ओके, इनफैक्ट ये भी नहीं बोलना चाहिए, मुझे बोलना क्या चाहिए, सही माने में कैसे डिफाइन किया जाता है? वन बाय एक्सएल माइनस वन बाय एक्स. सही मायने में ना बेटा, फिर सही तरीके से अगर लिखा जाए ना, मैंने लास्ट क्लास में पूरा कन्वेंशन सही नहीं बताया. एक्चुअली एक्सएल को हम लोग क्या बोलते हैं? ओमेगा एल. और एक्ससी को हम डिफाइन ही करते हैं आगे चल के माइनस वन बाय ओमेगा से. लेकिन मैंने आपको वन बाय ओमेगा से पूरा करवाया है, इसलिए मैं इस कन्वेंशन को फॉलो करने के लिए अब नहीं बोलूंगा. बट आप फॉर्मूले में, क्योंकि दोनों अपोजिट फेजेस में होते हैं, इसलिए एक्ससी को नेगेटिव कर लीजिए. ओके, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए तो? वन बाय ओमेगा एल माइनस वन अपॉन वन बाय ओमेगा सी, मतलब माइनस ओमेगा सी सिंपली, राइट? आया ना, राइट? कोई दिक्कत? बता दो, एक्स निकाल तो सकते. प्लस माइनस वाला आप क्या बोले? मैं बोला देखो यार, इंडक्टर का जो भी बिहेवियर होता है कैपेसिटर का, उसका उल्टा होता है ना, हाँ सर, तो इसलिए दोनों को सीधे सीधे ऐड करने से तो गलती हो जाएगी ना. कैलकुलेशन में भी आ रहा है वन बाय एक्स सी माइनस वन बाय एक्सएल आ रहा है. हम लोग क्या करते हैं, एल को पॉस लेते हैं, सी को निगेट लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? वन बाय एक्स एल माइनस वन बाय एक्स सी हो जाएगा. ओके. ठीक सर। सो मेरे पास जो करंट आया वो कितना आ गया? ई नॉट बाय आर साइन ओमेगा टी माइनस ई नॉट बाय एक्स कॉस ओमेगा टी. यस और नो? आया ना, बोलो. समझ में आ रहा है कुछ? सर हाँ बेटा, सर वो वन बाय एक्स माइनस वन बाय एक्स टी के बाद जो कि लिखे हो कैसा आया आप बेटा एक्सेल की वैल्यू बता वन बाय एक्सेल की वैल्यू कितनी? ओमेगा एल. एक्सी की वैल्यू कितनी? वन बाय ओमेगा सी. डाल दी सकते? बस, ठीक है? ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, बस बता रहा था कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी, ऐसे कैलकुलेट कर लेना, ठीक है? ये काम का है. आगे बढ़े इस इक्वेशन के साथ, बहुत कुछ करना है अभी. सर वो ओमेगा स्क्वायर सी एल नहीं होगा? ओमेगा स्क्वायर सी एल आ जाएगा. अच्छा अच्छा सही बोल रहे, ओमेगा स्क्वायर एल सी. सी एल तो मुझे लिखना पसंद नहीं, पता नहीं क्यों. एल सी. ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़े. ओके। चाहो तो इसका ऐसे भी देख सकते हो, ओमेगा एल अपॉन वन माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा रेजोनेंस का होल स्क्वायर, राइट?
गया सर। ओके चलो, तो मेरे पास जो करंट है वो करंट कितना आया सर? वो आया है ई नॉट बाय आर साइन ओमेगा टी माइनस ई नॉट बाय एक्स कॉस ओमेगा टी। और एक्स कितना है सर? एक्स को मैंने कैलकुलेटर करके रखा है, इसको याद नहीं करना बट कैलकुलेटर करके रखा। क्या ओमेगा एल? ओमेगा एल क्या है? एक्सेल ही है ना, एक्सेल अपॉन वन वन माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा रेजोनेंस का होल स्क्वायर, है ना? है ना? अब देखो जो भी पावर है वो तो इसी की वजह से है, इसकी वजह से, क्योंकि इंडक्टर और कैपेसिटर में जो करंट है उसके वजह से कोई पावर का कंजप्शन तो आएगा नहीं, ये फालतू का करंट है ना? बोलो। हाँ सर। इस ये पूरा ही बेसिक एक तरीके से पावरलेस करंट है। एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा आर एक्स क्या हो जाएगा? इंफिनिटी। देयरफॉर नेट करंट थ्रू इंडक्टर कॉमा कैपेसिटर कितना हो जाएगा? जीरो। मतलब इंडक्टर और कैपेसिटर में हमेशा ही करंट जो होगा अपोजिट फेज में होंगे, वो करंट इक्वल हो गए तो नेट करंट जीरो हो जाएगा, है ना? समझ में आई बात? समझ में आया कि नहीं? बोलो। हाँ सर। ये हमारे करंट की इक्वेशन बनी। ओके, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहो तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, राइट? कैसे सॉल्व करते हैं इसको बताइए तो जरा। भूल गए? है ना? इक्वल टू साइन थीटा कॉस फाई माइनस कॉस थीटा साइन फाई, दिस इज दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा माइनस, अच्छा साइन ऑफ थीटा माइनस फाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स, राइट? आया ना? राइट right? तो अगर मैं इस क्वांटिटी को आई वन बोल दूं, इस क्वांटिटी को आई टू बोल दूं, तो मेरा करंट कितना हो जाएगा? करंट हो जाएगा रूट अंडर आई वन स्क्वायर प्लस आई टू स्क्वायर इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाई, वेयर फाई कितना है सर? फाई है टेन इनवर्स, इसको साइन बोला था ना, टेन इनवर्स बी बाय ए। बी बाय ए मतलब वन बाय एक्स अपॉन वन बाय आर, टेन इनवर्स आर बाय एक्स, राइट? है ना? तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप फेज निकाल सकते हो, करंट का एम्पलीट्यूड निकाल सकते हो, सब कुछ कैलकुलेट करके निकाल सकते हो अगर क्वेश्चन में पूछ लिया गया तो। याद इसमें कुछ नहीं करना है, तो इतना याद रखना है कि जब ओमेगा और रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी सेम हो जाएगी उस वक्त क्या होगा, इस केस में ये वाला करंट जो है नेट करंट इंडक्टर और कैपेसिटर का बैलेंस आउट हो जाएगा, जो भी करंट रहेगा सिर्फ और सिर्फ कहाँ बचेगा? रेजिस्टेंस में बचेगा। मतलब इंडक्टर कैपेसिटर में होगा करंट बट दोनों एक दूसरे को काउंटर कर लेंगे। ओके बेटा, पैरेलल में बेसिक चीज ये समझनी है कि तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहेंगे, बाकी एनालिसिस आपको करनी होगी क्वेश्चन सॉल्व करते हो, याद कुछ नहीं करना, ठीक है? ओके बेटा, यस सर। चलो आगे बढ़े।
हो गया सर। गया। चलो तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था इसमें कि आखिरकार पैरेलल वाले केस को कैसे हैंडल करोगे। तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे, बाकी अपने हिसाब से हैंडल करते जाओ, ठीक है। और अगर और बेटर एनालिसिस चाहिए तो वो कहाँ से आती है, कॉम्प्लेक्स नंबर एनालिसिस इन एसी सर्किट। इसको बहुत ही शॉर्ट में बताने वाला हूँ मैं। इन एसी सर्किट, ओके। देखो भाई क्या होता है कि जो भी हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट का सर्किट है उसमें क्या होगा, इंडक्टर होगा, कैपेसिटर होगा, रेजिस्टेंस होगा, राइट। सो जो रेजिस्टेंस है, पहले भी इसका एक आइडिया दिया था आप लोगों को मैंने, इसका जो आर है इसको हम कहते हैं, इसको आप मान लीजिए रियल रेजिस्टेंस, ओके। इंडक्टर, इंडक्टर में जो एक्सएल है ना वो ओमेगा एल है, ये आपका इमेजिनरी रेजिस्टेंस है, दैट इज आयोटा को मैं जे से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जे ओमेगा एल। जे कितना है, अंडर रूट ऑफ माइनस वन। आयोटा को जे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आई से क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आई से करंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत। और आपका जो कैपेसिटर है उसमें हमारा जो एक्स सी है उसको हम लोग -1/ωc बोलेंगे, ये इमेजिनरी रेजिस्टेंस है। कितना होगा ये अगर सच में इमेजिनरी टर्म्स में लिखा जाए तो, -J/ωc या -1/ωc, चलो ठीक है -1/ωc, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, समझ में आई बात। इसके बाद आप इन रेजिस्टेंसेस को बिल्कुल वैसे ही ऐड सब्ट्रैक्ट करिए जैसे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं किसी भी सर्किट को सॉल्व करते वक्त। आप दुनिया का कोई सर्किट ला दीजिए, सीरीज ला दीजिए, पैरेलल ला दीजिए, ना सीरीज है ना पैरेलल है, कोई ला दीजिए, आप इनको यूज करके जेड निकाल लीजिए। जेड इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स रेजिस्टेंस। जब भी आप सर्किट को सॉल्व करोगे जेड की जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, जेड इज इक्वल टू आर प्लस आयोटा एक्स आएगी। ये आर और ये आर सेम नहीं है, ठीक है, नेट आर इक्विवेलेंट प्लस आयोटा एक्स इक्विवेलेंट आएगा, ठीक है, ओके बेटा। और उसके बाद आप बोलोगे सर ये मेरा आर है इक्विवेलेंट वाला, ये मेरा एक्स है इक्विवेलेंट वाला, तो सर ये मेरा होगा जेड, ये होगा फाई, और इसके बाद आपका जो फेजर डायग्राम हमने बनाया था सीरीज सर्किट के लिए वो काम करना शुरू कर देगा, ओके बेटा। सो वो आयोटा एक्स इक्विवेलेंट है। अच्छा आयोटा नहीं, जे, आयोटा को जे लिखेंगे ना यार, आदत आई लिखने की, यहाँ जे लिखना पड़ता है इस चैप्टर में, ठीक है। हाँ आयोटा एक्स इक्विवेलेंट, सर जी आयोटा है ना। जे आयोटा है, हाँ तो जे इज इक्वल अंडर रूट ऑफ -1। जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये आर्ग्यूमेंट है, सब कुछ फिट बैठ गया कि नहीं बैठ गया, हाँ सर। इसलिए जब आप करंट को डिवाइड करोगे जेड से तो आर्ग्यूमेंट सब्ट्रैक्ट हो जाता है ना।
इसलिए आपका जो करंट आएगा, करंट कितना हो जाएगा, ई बाय जेड टाइम्स, ध्यान दीजिएगा, आई रियल माइनस आई इमेजिनरी, है ना, और ये इमेजिनरी करंट होता नहीं है, ठीक है, आई इमेजिनरी आयोटा। माइनस क्यों आया, क्योंकि बेटा अगर ये फाइव पॉजिटिव होगा, अगर ये एक्स पॉजिटिव होगा, तो आई ये इमेजिनरी करंट निगेटिव होगा ना आर्ग्यूमेंट में, आया ना, और इसी इमेजिनरी करंट को क्या बोलते थे, वॉटलेस करंट बोलते थे। ओके बेटा, सर एक एग्जांपल दिखा दीजिए। हाँ दिखा देंगे, आपको सीरीज का एग्जांपल दिखाता हूँ, किसी और का क्यों दिखे, है ना, इसको कॉपी कर लो, फिर सीरीज का एग्जांपल दिखा देते हैं कैसे हैंडल होता है इससे। हो गया, देखो जब मेरा सिंपल सा सर्किट था तो क्या होगा, सिंपल से सर्किट में एक रेजिस्टेंस है, एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर है, और यहाँ पे मेरा एसी सोर्स है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। देखो ये जो कुछ भी है ना, ये हमेशा क्या रहेगा, रियल रहेगा, ई एम एफ हमेशा रियल रहता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर ये रेजिस्टेंस हो गया, ये हो गया एक्स एल, ये हो गया एक्स सी, क्योंकि तीनों सीरीज में है, जेड इक्विवेलेंट कितना आ गया, जेड इक्विवेलेंट हो गया सर रेजिस्टेंस आर प्लस आयोटा एक्स एल माइनस आयोटा एक्स, सिंपली तीनों ऐड हो गए, आया ना, आया ना, दैट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस आर प्लस आयोटा टाइम्स एक्सएल माइनस एक्ससी। इसलिए जब मैंने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गन प्लेन पे बनाया तो मुझे क्या मिला, ये रहा सर आर, ये रहा सर आयोटा टाइम्स एक्सएल माइनस एक्ससी, इसलिए ये आया मेरा इफेक्टिव रेजिस्टेंस, नहीं बोल सकते, सो क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस बोलते हैं, जेड, राइट, और ये आ गया मेरा फाइव, बिल्कुल वैसी जो हम लोगों ने वेक्टर से सीखा था, है ना, बोलो बोलो। अब इसके बाद यहां जो करंट जा रहा है आई, दैट करंट आई इज इक्वल टू ईएमएफ बाय जेड, है ना, सो मेरे उसी कॉम्प्लेक्स प्लेन में ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है, क्या होगा, मेरा ईएमएफ हमेशा रियल होता, मैंने बोला ये मेरा ईएमएफ, ठीक है, ओके बेटा, ईएमएफ कितना, ई नॉट साइन ओमेगा टी, जो भी, इसको जब मैं जेड से डिवाइड करूंगा तो जो करंट आएगा वो क्या होगा, जब आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, जो मैग्नीट्यूड है वो तो डिवाइड हो जाएगा और आर्ग्यूमेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना, यस, ठीक है, कोई दिक्कत, आई कितना हो जाएगा, ई बाय जेड, पर फेज में ये फाइव फेज पीछे आ गया, इसलिए आर्ग्यूमेंट जो साइन के अंदर लिखते हैं ना वो आर्ग्यूमेंट होता है, ठीक है, तो ओमेगा टी क्या है आपका, ओमेगा टी को के रेस्पेक्ट में आर्ग्यूमेंट लिखा जा रहा है, तो ओमेगा टी आपका जीरो आर्ग्यूमेंट माना जाएगा, ओके, ओमेगा टी से कितना आगे कितना कम वो आपका कॉम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट माना जाएगा, ठीक है बेटा, ओके, आप ऐसा समझ लीजिए आर्गन प्लेन भी ना ओमेगा टी से घूम रहा है विद ईएमएफ, कोई दिक्कत, वो इमेजिन करना मेरे ख्याल से ज्यादा लॉजिकल है, हालांकि इस तरीके से कभी एक्सप्लेनेशन क्या ओमेगा आर्गन प्लेन पे क्या है, अरे यार ई कितना, ई नॉट साइन ओमेगा टी है ना, हां हां, आपको ये नहीं मानना है कि ईएमएफ घूम रहा है इस आर्गन प्लेन में, अच्छा, अगर आप ईएमएफ को आर्गन प्लेन में घूमते मानोगे तो आप साथ में साथ इस रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस को भी घूमते इमेजिन करिए, बेसिकली ईएमएफ के डायरेक्शन में ही रियल एक्सिस है, ये आपको हमेशा इमेजिन करना,
अब आपको ईएमएफ को घुमाना है तो घुमाइए, नहीं घुमाना है तो मत घुमाइए, आपकी चॉइस। ठीक है सर। ठीक है, अगर ईएमएफ को घुमाओगे तो रियल एक्सिस को और इमेजिनरी एक्सिस को भी घुमाना पड़ेगा, ये कह रहा है। मैं घुमाना पसंद नहीं करता, मतलब ठीक है, ओमेगा टी इज जीरो, ओमेगा टी को मैं जीरो आर्ग्यूमेंट मान के सॉल्व करूंगा हर क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आई का आर्ग्यूमेंट क्या हो गया, ओमेगा टी माइनस फाई, तो ई बाई जेड साइन ओमेगा टी माइनस फाई, कोई दिक्कत आ गया ना। इसमें से जो ये वाला करंट आया ये आपका रियल करंट है, इस मतलब बेसिकली इस दिस विल इसकी वजह से क्या होगा, पावर आएगा, आई रियल कितना है आई कॉस फाइव, तो पावर कितना हो जाएगा ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव, और ये जो कॉम्प्लेक्स नहीं कॉम्प्लेक्स नहीं बोलता इमेजिनरी करंट आया ये बेसिकली क्या है, पावरलेस करंट या वाटलेस करंट, याद है? Yes. All we need to do to solve any AC circuit is find this Z. इन सबको रेजिस्टेंस मानते हो जिस तरीके से आप ऑपरेशन करते हो, वही वही ऑपरेशन अब आप कॉम्प्लेक्स रेजिस्टेंस मानते हुए सॉल्व कर लीजिए, वही सेम मेथड से J टाइम्स ओमेगा L ये जाएगा J टाइम्स माइनस J टाइम्स ओमेगा C। जो ओमेगा L और ओमेगा C बोलते थे ना वही गलत है, माइनस J टाइम्स वन बाय ओमेगा C। ओके, ये असली अगर अगर आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से सीख रहे हो तो ये आपका असली रिएक्टेंस। ओके बेटा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है ग्राफ बेटा? ग्राफ में मैं सिर्फ इतना एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ईएमएफ के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ये एक नंबर को मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड किया है तो ईएमएफ से फाइव फेज पीछे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा करंट, यही तो एक्सप्लेन कर रहा हूं। कुछ नहीं समझ में आया तो बोला करो ना कि हाँ या ना, कोई और डाउट है स्पेसिफिक वो बताओ। चुप हो जाते हो एक बार डाउट पूछ के, मेरे को समझ में आया डाउट आपका क्लियर भी हुआ कि नहीं। दो भाई सर, वहां पे आई रियल के ऊपर आई कॉस फाइव लिखा है ना? हाँ भाई, इसी की वजह से पावर आ रहा था। पावर कितना था? ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव था ना? हाँ सर। तो उसको आपने पिछली क्लास में वेक्टर की फॉर्म में समझा, इस बार में कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में समझा रहा हूँ। अल्टीमेटली हो तो ना वेक्टर रहा है ना ये रहा है, दोनों में से कुछ भी सच में हो थोड़ा ना रहा है। ये तो हम मैथ्स का ट्रिक्स लगा रहे हैं कि कैसे हम सारी कॉम्प्लेक्स सर्किट को यूज कर सॉल्व कर सकते हैं। सीरीज के लिए हमारा वेक्टर काम कर गया, बट जब कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट आएगा तो उसमें हमें वेक्टर से बेटर क्या लगा, हमें समझ में आया कि यार किसी भी सर्किट के लिए आप ये यूज कर सकते हो आर्गन प्लेन। तो आर्गन प्लेन ज्यादा अच्छा टूल हुआ ना, पर आर्गन प्लेन क्या आपके सिलेबस में ये वाला टूल है नहीं, एटलीस्ट ट्वेल्थ के सिलेबस में। ऑल्दो इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आपके काफी सारे एग्जाम्स आ चुके हैं, जेई मेन और जेई एडवांस में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिनको आप जिसमें कोई लगाना ही पड़े। बट अगर आप बात करोगे केवीपीवाई तो उसमें क्वेश्चन आ चुके हैं जिसमें आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर अप्लाई करने से फायदा होगा, बिना उसके भी हो जाएगा बट अप्लाई करने से फायदा होगा। ठीक है सर? हाँ बेटा। सर आप जैसे क्वेश्चन पूछे वैसे लाइन चला गया सर, इसलिए बोल नहीं पाया, डिस्कनेक्ट हो गए थे सर, लाइन आ गई। मैं अभी समझ में आया जो मैंने बोला था, जवाब दिया समझ में आया, आया कि नहीं आया? नहीं सर, सुन 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 ही नहीं पाया सर। तो अच्छा, मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज समझा रहा था इस पूरे डायग्राम से कि ईएमएफ को जब आपने जेड से कॉम्प्लेक्स नंबर से जब डिवाइड करोगे एक रियल नंबर को तो आर्गुमेंट सब्ट्रैक्ट होता है कि नहीं होता कॉम्प्लेक्स नंबर में?
अगर ये याद नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर में तो फिर कोई मतलब ही नहीं, फिर तो भूल जाओ इस मेथड को, भूल जाओ, किसी काम का नहीं है। हाँ सर, ठीक है, तो इसी वजह से जो करंट है उसका आर्ग्यूमेंट फाई कम है इन कंपेरिजन टू ईएमएफ। ओके, फाई फेज पीछे है, ये आर्ग्यूमेंट हमारे इक्वेशन में फेज में रिफ्लेक्ट होता है। ओके ठीक है, और इस करंट का जो रियल कंपोनेंट है उसी की वजह से पावर आ रही है, जो वर्चुअल कंपोनेंट, जो वर्चुअल नहीं, जो इमेजिनरी कंपोनेंट है उसकी वजह से कोई पावर नहीं आ रही है। ओके, ओके सर, इतना ही समझा रहा हूं इससे, और कुछ नहीं। चलो आगे बढ़े। अब देखो आप यहां पर क्या सीरीज वाला है, मैंने सीरीज वाला सॉल्व कर दिया, कोई और भी आप सेम मेथड से सॉल्व कर सकते हो, कोई भी सर्किट आप सेम मेथड से सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपके पास कोई सर्किट ऐसा आ जाए, एक रेजिस्टेंस है, इसके आगे आपके पास कैपेसिटर और इंडक्टर पैरेलल में है। सिंपल सर्किट है, कोई खास कॉम्प्लेक्स सर्किट नहीं है, एग्जाम में पूछ लेगा तो आप ये नहीं बोल सकते कि सर इतना कॉम्प्लेक्स पूछ लिया, लेकिन पूछ सकता है, हालांकि पूछता नहीं। तो ई आपको दे रखा है ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये आपका कैपेसिटेंस सी है, ये आपका इंडक्टर एल है। आप क्या बोलोगे, आप यहां पर 1/x निकालोगे, पहले 1/x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/xl प्लस 1/xc दैट इज इक्वल टू, अब एक्सएल कितना है, आयोटा ओमेगा एल, और एक्ससी कितना है, आयोटा माइनस आयोटा अपॉन ओमेगा सी, है ना, समझ में आई बात, बोलिए। सो 1/xl + 1/xc होगा। वही तो बोला, जब कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा तो ये आएगा, वहां पर क्या है ये देखो, ध्यान दीजिए यार, जब हम आर्ग्यूमेंट जब हम उससे सॉल्व करें ना, आर्ग्यूमेंट से सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर से, तो हमारा एक्सेल कैसे डिफाइंड है, एक्सेल डिफाइंड है आयोटा ओमेगा एल, और एक्स सी कैसे डिफाइंड है, माइनस आयोटा बाय ओमेगा सी, राइट, हाँ सर, यहां पे माइनस ऑलरेडी है, असली फॉर्मूला यही है, पर वहां पर जब मैं पढ़ा रहा था तब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस नहीं सिखाई थी, तो उस माइनस साइन को कैसे काउंटर करूं, इसलिए मैंने वहां पे माइनस लिखा दिया, ये वाला माइनस मैं वहां पे लिख दिया था अलग से। ओके, अच्छा इसलिए ठीक है। ठीक है, वो जो माइनस एक्चुअल में एक्स के साथ आना चाहिए वो मैंने यहीं लिख दिया। ओके, अगर आप शुरुआत से -1/ωc यूज करते एक्स के लिए, तो आपको शुरुआत से ही आप ओमेगा एक्सएल प्लस एक्सी लिख रहे होते, लेकिन आपकी बुक में जो है ना, जो स्कूल की जो बुक्स है उसमें एक्सएल माइनस एक्सी दे रखा है, दोनों को हमेशा सबट्रैक्ट किया है, डिफाइंड उसका ओमेगा 1/ωc डिफाइन किया आपकी बुक्स में, तो मैं उससे अलग हो जाऊंगा तो एक बोर्ड में नंबर कट जाएंगे ना, हाँ सर, इसलिए मैं फर्स्ट डेट से उससे अलग नहीं हो पा रहा। लेकिन हाँ, जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर पे आ रहे हो, कॉम्प्लेक्स नंबर वाले मेथड से आ रहे हो, तो इट इज अंडरस्टूड कि आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, ऑल यू नीड टू डू इज रिमेंबर दिस फॉर्मूला कि एक्सएल कितना होता है जे ओमेगा एल, एक्सी कितना होता है माइनस जे बाय ओमेगा सी, खत्म। आफ्टर दैट यूज व्हाट एवर यू यूज इन द रेजिस्टेंस सर्किट। ओके, यस सर, सो इससे क्या हो जाएगा, दिस मींस इसको आप एक्स को कैलकुलेट कर लोगे, मेहनत होगी थोड़ी सी बट एक्स कैलकुलेट हो जाएगा। तो मैं उसको एक्स को लिख दे रहा हूं आयोटा टाइम्स समथिंग समथिंग, मैं कुछ भी लिखता हूँ आयोटा टाइम्स, क्या लिखूँ यार, एक्स तो ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, रियल क्या लिखे, कुछ भी लिख देते, चलो आयोटा टाइम्स पी लिख देते। ओके, कोई दिक्कत, कुछ मिला नहीं, पी लिख, कोई दिक्कत है। तो अभी पी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, मैं पॉजिटिव मान के सॉल्व करूंगा सब कुछ। ओके, सो आपका जो जेड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आर, और उसके साथ ये कॉम्बिनेशन तो सीरीज में ना, हाँ सर, तो आ जेड इज इक्वल टू आर प्लस आयोटा पी। आफ्टर दैट हमें सब पता है यहाँ पे करंट कैसे आने वाला है, हाँ या ना,
यस सर, एक बार जेड आ गया उसका तो कुछ करना ही नहीं है। तो बेसिकली ये जो मेथड है ना कॉम्प्लेक्स नंबर वाला, इससे आप बहुत ही कॉम्प्लेक्स सर्किट्स ऑफ एसी सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही कॉम्प्लेक्स। बस कैलकुलेशन कितनी कर पाते हो वाली बात है, ठीक है। बाकी सब कुछ वही एनालिसिस लगानी है जो हम लोगों ने नॉर्मली किरचॉफ्स लॉ वगैरह जितने थे ना सब लगा सकते हैं आप। ओके, रेजिस्टेंस से रिलेटेड जितने आपने लॉस पढ़े ना, सर्किट सॉल्व करने के जितने टेक्निक्स पढ़ी हैं सब अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। वंस यू रिप्लेस इंडक्टर विद अ इंडक्टर एंड कैपेसिटर विद कॉम्प्लेक्स रेजिस्टेंस, कॉम्प्लेक्स नहीं इमेजिनरी रेजिस्टेंस, एंड फाइंड योर यूज और व्हाटएवर एनालिसिस यू डू टू फाइंड योर कॉम्प्लेक्स रेजिस्टेंस दैट इज इंपीडेंस। ओके, समझ में आया कुछ कि नहीं समझ में आया? अभी भी कंफ्यूजन है? बोलो। सर फिर इससे सारा करंट एंड ऑल फाइंड करेंगे, उसके बाद नॉर्मली सॉल्व करेंगे। हाँ, जो भी सॉल्व करना कर सकते हो। अब देखो बात ये कि बहुत ज्यादा लंबी एनालिसिस आपको एग्जाम में मिलेगी नहीं, है ना? इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन में आएगा तो यही आएगा, इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेगा। या तो पैरेलल वाला पूछ लेगा, उससे आगे जाएगा तो यहीं तक आएगा। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स करने जाएगा तो यार एग्जाम में सॉल्व करने लायक होगा ही नहीं वो क्वेश्चन। चेक किसको, चेक क्या करेगा वो? क्योंकि ईमानदारी से बता रहा हूँ, बहुत सिंपल सर्किट्स होते थे बेटा हमारे, वो कॉलेज में पढ़ाया था फर्स्ट ईयर में। ये वाला मेथड मैं पहले ही पढ़ चुका था, बट फर्स्ट ईयर में जब ये वाला मेथड पढ़ाया था, इसके जो क्वेश्चन हमारे कॉलेज में जब सर पूछते थे, एकदम सिंपल क्वेश्चन होते थे, और उस एग्जाम में कैलकुलेटर लेके जाना कंपलसरी था। कंपलसरी का मतलब सर ने बोला था लेके आना है, अगर आप लेके नहीं गए तो देर इज नो होप कि आप एक भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे 3 घंटे में, ठीक है? चांस ही नहीं, इतनी कैलकुलेशन हो जाती। सिंपल, एकदम सिंपलेस्ट क्वेश्चन पूछते थे, उसमें भी इतनी कैलकुलेशन हो जाती थी कि आप 3 घंटे में एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, चांस ही नहीं। और मैं ये चीज एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मेरे को सब कुछ आता था और मैं कैलकुलेटर ले जाना भूल गया था एग्जाम में, एक भी क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं आया था मैं एग्जाम में ईमानदारी से। ये बात और है, एग्जाम 3 बार होते थे, वो मतलब फर्स्ट टर्म था एक तरीके से, फर्स्ट टर्म भी नहीं मतलब यूनिट टेस्ट था एक तरीके से, उसको मार्क्स जोड़ते थे बट यूनिट टेस्ट था, तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ा जीवन में उससे। पर कैलकुलेटर लेके जाना भूला, और कैलकुलेटर लेके जाना भूले नहीं था, नॉर्मल कैलकुलेटर लेके चला गया था जो आप लोगों ने देखा होगा। उस एग्जाम के लिए हमें स्पेशल कैलकुलेटर खरीदने के लिए बोला गया था, उसको उसमें इक्वेशंस भी सॉल्व होती हैं, कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस भी सॉल्व होती हैं, इनका जो रिजल्टेंट निकालना होगा ना हाँ सर, उस कॉम्प्लेक्स नंबर फीड कर दीजिए उसके अंदर, वो सॉल्व ऐड करके दिखा दे देगा, इक्वेशंस बना के दीजिए, इक्वेशन सॉल्व करके दे देगा। इक्वेशंस क्यों बनाई बनानी पड़ेगी? अरे किरचॉफ्स लॉ कैसे लगाओगे, समझ सर, में आई बात? इसको सॉल्व करने के लिए एक तरीका ये भी तो सकता है, इस लूप की इक्वेशन बनाई, इस लूप की इक्वेशन बताई, है ना? सब कुछ वैसे ही काम करेगा जैसे आपको नॉर्मली सिखाया मैंने करंट के लिए। किरचॉफ्स लॉ भी काम करता है, जितने लॉस जानते हो सारे लॉस काम करते हैं, ठीक है? पर कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑब्वियसली थोड़ा डिफिकल्ट हो ही जाता है, इक्वेशन सॉल्विंग बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। तो इसलिए समझ गए बात को, इसलिए क्वेश्चन जो है ना कभी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा, सिंपल ही आएगा। अगर अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन आता भी है तो सिंपल आएगा, उसको सॉल्व कैसे करते हैं मैंने बता दिया। इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर ऑल्टरनेटिंग करंट, जितना मैंने सोचा था उससे बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया मैंने इस चैप्टर में, इतना है, इतना तो पढ़ना भी नहीं था। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर वाला पार्ट आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो, किसी को नहीं समझ में पूरा छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे बढ़े बेटा, सब बोर्ड में नहीं यूज कर सकते इसको। क्यों यूज करोगे? कॉम्प्लेक्स नंबर लगा के आप उन इक्वेशंस को डिराइव करोगे जो आपको ऑलरेडी आते हैं? हाँ सर, ठीक है सर, समझ में आई बात? चलो तो बढ़े आगे। यस सर, हमारा अगला चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यार ये वैसे ही तो 1 घंटे से थोड़ा ऊपर का चैप्टर है, इसको भी दो टुकड़े कर दूंगा क्या? देखो मेरे ख्याल से सिलेबस लाइन पे आ चुका है, मैं यार नेक्स्ट क्लास में लेता हूँ, ठीक है?
बहुत अगर मुझे लगेगा तो मैं इस वीकेंड पे एक क्लास एक्स्ट्रा ले लूंगा, ठीक है बेटा? ओके सर, यहाँ पे क्लास खत्म करते हैं, फालतू में मतलब करने का मतलब नहीं है सिलेबस, 15 मिनट ठीक? ही बाकी है। हाँ 15 मिनट बाकी है, फालतू सिर्फ चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी नहीं होगा, अगली क्लास में फिर वापस पूरा रिवाइज करके आगे बढ़ना पड़ेगा। इससे बेटर है कि आप ये 15 मिनट जो मैंने आज पढ़ाया और जो मैंने कल पढ़ाया था ऑल्टरनेटिंग करंट का, उसको दे दीजिए, उससे बेटर ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है? सो ई एम वेव्स नेक्स्ट क्लास का चैप्टर है ये, नेक्स्ट क्लास में ये भी चैप्टर खत्म हो जाएगा, खत्म क्या हो जाएगा, मेरे पास टाइम बच जाएगा, नेक्स्ट क्लास में 15 मिनट पहले ही छोड़ दूंगा, ओके? ओके एक सर, तो क्लास भी मतलब मैं खींचता हूँ तब चलता है, अगर मैं सिर्फ जो सिर्फ और सिर्फ बोलूँ कि बेटा ये होता है, ये होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, चलाता जाऊँ मैं जबरदस्ती, कुछ भी एक्स्ट्रा ना पढ़ाऊँ, जो सिलेबस के बाहर का कुछ भी नहीं पढ़ाऊँ और जो चीज़ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं उसको एक्सप्लेन ना करूँ, तो 1 घंटे में खत्म हो जाएगा चैप्टर, ठीक है? इतना छोटा चैप्टर है। और ई एम वेव्स में आपको आपको भी खुद से ना, बात यह है कि चैप्टर इतना छोटा है और इतनी जल्दी जल्दी चैप्टर्स खत्म हो रहे हैं कि ये जो पिछले 3 4 चैप्टर देखे ना आपने, एक बार मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बाद जो शुरू हुआ ईएमआई से लेके, बहुत जल्दी जल्दी चैप्टर खत्म हुए कि नहीं हुए? हाँ सर, यस ये चैप्टर्स की हर साल की ही कहानी, बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो जाते हैं, पढ़ाते हैं सबको समझ में आता है, हो सकता है किसी को ना भी समझ में आए, जो रिविजन एकदम नहीं कर रहा उसको समझ में नहीं आएगा, पर होता ये है कि याद नहीं रहता। क्यों याद नहीं रहता? क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी खत्म होते हैं ना, और रिविजन आप लोग करते नहीं हो, ठीक है? अच्छी बात यह है कि वंस दिस चैप्टर इज ओवर ई एम वेव्स, द नेक्स्ट चैप्टर इज रे ऑप्टिक्स, एंड दैट रे ऑप्टिक्स इज द लॉन्गेस्ट चैप्टर इन क्लास 12th, लॉन्गर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सर कितना क्लास लगता है उसको खत्म करने देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या, सारे कॉन्सेप्ट्स नए थे और एक्स्ट्रा पढ़ाने का स्कोप बहुत था जो आपके बोर्ड के सिलेबस से बाहर है, ठीक है? उसमें क्योंकि आप ऑप्टिक्स इतनी बार ऑलरेडी पढ़ चुके हो बचपन से, काफ़ी चीज़ें तो आसान चीज, चैप्टर आसान है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, स्कोरिंग भी है, कब स्कोरिंग होता है अगर आप प्रैक्टिस करते हो, तो प्रैक्टिस नहीं करते हो तो बहुत लोगों को, या देखो लोगों को या तो बहुत डिफिकल्ट लगता है, या डिफिकल्ट लगता है, या कई लोगों को बहुत ईजी लगता है, कई लोगों को इतना बोरिंग लगता है कि सर कुछ करने को ही नहीं चैप्टर, क्यों? क्योंकि अगर आप सफिशियंट प्रैक्टिस कर लेते हो ना तो नया क्वेश्चन नहीं बनता, हालांकि जेई एडवांस ने फिर भी रिसेंटली कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन बना के दिए हैं कि हिला दिया लोगों के कॉन्सेप्ट को, रे ऑप्टिक्स में टीचर्स के कॉन्सेप्ट को हिला दिया, मतलब एक क्वेश्चन तो ऐसा दिया था जिसका सोल्यूशन अभी तक किसी भी टीचर ने सही नहीं दिया, ठीक है? 3 4 साल पहले की बात है। क्वेश्चन हाँ देता वो शायद उनसे गलती से बन गया था और अभी तक किसी टीचर ने उसका सही सोल्यूशन नहीं दिया, मतलब जो एडवांस वालों ने भी गड़बड़ गड़बड़ करके निकाल दिया, मतलब सही सोल्यूशन उन्होंने भी नहीं दिया, ठीक है? उसका एक दूसरा प्रॉपर मेथड, एकदम बेसिक का सा एक इक्वेशन है, उसमें उस इक्वेशन में एक अप्रोक्सीमेशन है, उस अप्रोक्सीमेशन को चेंज करके, मतलब उस अप्रोक्सीमेशन वहाँ काम नहीं कर रहा उस फॉर्मूले उस क्वेश्चन में, तो उस अप्रोक्सीमेशन को हटा कर इक्वेशन जो सबसे वन ऑफ द मोस्ट बेसिक इक्वेशन है ना उस चैप्टर की, उस बेसिक इक्वेशन को दोबारा से ड्राइव करके फिर उस नया फॉर्मूला बना के उस नए फॉर्मूले को अप्लाई करता है, ठीक है? तो उतना किसी ने सोचा नहीं, ओके? कि वो सबसे बेसिक वाली इक्वेशन को ही चेंज करना पड़ जाएगा। जो आप लोग मिरर फॉर्मूला पढ़ा है ना बच्चों ने, पढ़ा है ना मिरर फॉर्मूला 10th क्लास में, हाँ सर, उस फॉर्मूले में एक अप्रोक्सीमेशन लगता है, उस फॉर्मूले को दोबारा ड्राइव करके फिर सॉल्व करना पड़ेगा, जो किसी ने किया, मतलब टीचर्स ने सॉल्व किया होगा पर जो सॉल्यूशन अलग अलग इंस्टीट्यूट ने पब्लिश किए ना, उसमें से किसी का भी सॉल्यूशन सही नहीं है उसका, ठीक है? तो मतलब रिसेंटली उसने ऐसा भी काम किया जेई एडवांस ने, लेकिन नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस अगर बहुत सालों में एक बार आ जाए तो ठीक है, उसके लिए उस हिसाब से थोड़ा तैयारी करेंगे। तैयारी मतलब कहने का मतलब ये है कि वो चैप्टर इतना आसान है अगला वाला और लेंदी भी है कि उस टाइम पे आप नहीं, जो पिछले दो तीन चैप्टर्स है ना जो बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो गए, इनको रिवाइज करने का अच्छा टाइम मिल जाएगा। ओके हाँ सर ईएमआई से ना एचसीवी में 98 क्वेश्चंस था, तो वो पूरा करना होगा। देखो यार, ईएमआई एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और मैं कहूँगा सिर्फ एचसीवी के 98 क्वेश्चन से होगा नहीं, और भी करने होंगे,
हाँ तो सर वो पीवाई की तो करेंगे ऐसे लगे। और भी करने होंगे। ठीक है, पहले आप एचसी वर्मा और बीवाई क्यू कर लीजिए, उसके अलावा और भी प्रैक्टिस करनी होगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, बाद में देख लेंगे। ठीक है, ठीक है सर। ओके। अच्छा, आप मेनली एचसी वर्मा पूरा कर रहे हो और पीवाई की कर ले रहे हो? हाँ सर। अच्छी स्ट्रैटजी है, अच्छी स्ट्रैटजी, सर कौन क्या अच्छी अच्छा स्ट्रैटजी है। कॉन्सेप्ट बिल्डअप भी हो जा रहा है और पिछले साल के क्वेश्चन देख ले रहे हो, जिससे क्वेश्चन रिपीट भी होंगे। ठीक है, सर। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ एस एल ओडा से कर रहे हो, तो उसमें क्या 2 साल के क्वेश्चन लास्ट, मतलब इस साल के क्वेश्चन नहीं होंगे, पिछले साल के क्वेश्चन भी नहीं होंगे इनफैक्ट। नहीं सर, सर 17 या 18 तक है, टू हाँ, तो थाउजेंड उसके आगे बहुत सारे पेपर हो चुके हैं, सोचो। तो उन हाँ सारे सर। क्वेश्चंस को भी आपको रिवीजन के टाइम पे सबको सॉल्व करना होगा, है ना? ठीक है। जेई एडवांस के भी, हाँ जेई मेन के भी। जेई मेन के सोचो कितने तो साल के पेपर अभी होते हैं, करें कि पूरा सिलेबस खत्म करने के बाद करेंगे? अगर टाइम मिलता है तो अभी करते जाओ, नहीं तो सिलेबस खत्म होने के बाद करना। ठीक अच्छा है, ठीक है सिलेबस सर। खत्म होने के बाद करना भी से भी फायदा होगा, क्योंकि आपको पूरा पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज भी हो जाएगा, हाँ और सर। पीवाईक्यू तो ऐसे भी दोबारा करने ही होंगे। ठीक है, सो ठीक है, मतलब स्ट्रैटजी ठीक है आपकी, लेकिन हाँ थोड़े से अगर टाइम, ये तब ये वो वाली स्ट्रैटजी जो मतलब दैट्स लाइक कि ठीक है सर इतना तो कर लूँगी तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा ना, मतलब अगर सही से कर लोगे इतने में सिलेक्शन हो जाता है, पर अगर आपको और अच्छी रैंक्स वगैरह चाहिए तो थोड़ी और प्रैक्टिस करनी पड़ती है, या रिवीजन में और ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है सर। बाकी सब्जेक्ट्स के क्या हाल है?